क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है और कब से फ्लोर पर जा रही है ये? ये बहुत जल्द हम फ्लोर पे जा रहे हैं, वही दिन हो सकता है कि 2-3 मंथ के अंदर हम फ्लोर पे होंगे। ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसका कैरेक्टर मैं इतना ही बताऊं कि एक चाइल्ड एक्टर का कैरेक्टर है, जो कि फिल्म के जो दो लीड हमारे पास है, यानी कि जिसको आप फिल्म का एक रीढ़ की हड्डी समझते हैं, हीरो और हीरोइन, जिसकी बिना फिल्म कल्पना नहीं कर सकते, तो उनके बीच का इसका कैरेक्टर है और उनको ही टर्न कर देंगे। ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा विलेजर्स टाइप का हमारा है और मिडिल क्लास फैमिली का कहानी है, और कुछ इस तरह कहानी जैसे आप कभी आपने सुना होगा कि बिहार में बेगूसराय एक जगह होता है, जहाँ पे एक समय ऐसा था ना जब यूपी बिहार में, मतलब नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है कि दहेज एक बहुत बड़ी प्रथा है। तो दहेज प्रथा में क्या होता है, बिना पैसे की शादी होती नहीं है, बिना फर्नीचर, बिना आप बहुत सारा चीज, ज्वेलरीज बहुत सारे होते हैं, यानी कि बोलते हैं कि आप बेटी नहीं दे रहे हो, सब कुछ आपको ही देना है। तो हमने इस फिल्म में एक ऐसा क्लाइमेक्स यहाँ से उठाने की कोशिश की इस सब्जेक्ट को लेकर के, कि दहेज देने की वजह से शादियां नहीं हो पाती हैं। तो बेगूसराय में कल एक लोगों ने एक शुरुआत की, एक उसको कल्पना नहीं कर सकते कि उसको रिवाज भी नहीं बोल सकते, कल्चर भी नहीं बोल सकते, एक कांड ही बोल सकते, कि कांड लोगों ने शुरू किया कि भाई जो पसंद है उठा कर ले आओ, किडनैप करो, शादी करा दो। तो हमारी फिल्म का ये एक प्लॉट है छोटा सा, ये कि एक ऐसे दूल्हे को उठाया जाता है और उसकी शादी कराई जाती है। आप सोचे कि पकड़वा विवाह जी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ, उसके बाद वो बंदा शादी के बाद इमीडिएटली उसी मंडप से ही वो भाग जाता है। वो पूरी फिल्म में उस दूल्हे को ढूंढने की कहानी है। तो सर ऑल इंडिया में रिलीज होगा, पैन इंडिया रिलीज होने वाली है फिल्म, थिएट्रिकल है फिल्म, आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मिस करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है, फुल कॉमेडी विथ एंटरटेनमेंट, फैमिली ड्रामा है, फुल मेलोडियस। सर मैं बच्चे के देख रहा हूँ, चेहरा आकर्षण है बहुत, मतलब अट्रैक्शन लुक दिख रहा है जी जी। तो इनका लुक पे कितना खेलना चाहते हैं इसके लुक के लेकर, चेहरे के लेकर? तो मैंने तो इतना ही एक बड़ी बात आपको बोल दी कि पूरी फिल्म का क्लाइमेक्स टर्न कर देती है, तो मुझे तो इसके साथ काफी कुछ खेलना है। क्या बात सर, मैं आपसे जाना है तो अभी जुड़े इनके साथ काफी दिनों से, क्या आप इसमें रोल अदा कर रहे हैं, क्या अपने बारे में बताएं सर? जी सर, मैं प्रशांत तोतला हूँ, महाराष्ट्र का ही, लेकिन सागर भाई का और मेरा रिलेशन, एक खून का रिश्ता जरूरी नहीं है, एक भाई से बढ़कर है। चिंतामणि स्नेह कृष्ण नाम से मेरा बैनर है, अभी तक मेरी 6 फिल्में रिलीज है, लेकिन इसके बाद जो भी काम कर रहे हैं सागर भाई के साथ ही मिलकर काम कर रहा हूँ। और ये देसी लव, इसके ऊपर बहुत दिनों से मेहनत चल रही है हम लोगों की, बहुत बढ़िया फिल्म है और ये फ्लोर पर जाएगी। और उसी बीच संस्कृति की याद आ गई, मुलाकात हो गई, तो उसकी वजह से फिर उनके पापा को कॉन्टेक्ट किया गया, आज ये आपके सामने है, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है, अच्छा कैरेक्टर भी निभाएगी। और मैं एक ही कहूँगा, देसी लव। क्या बात, देसी लव, यानी ये फिल्म हिट होगी और 101% हिट होगी ये, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत इतना किया है और इसका बहुत कुछ स्टोरी हीरो है, स्टोरी हिट है, हीरो हीरो स्टोरी। हम मैम आपसे जानना चाहते हैं बच्ची की संस्कृति, आपको मैं टीवी शो भी मिला है आपको, तो किस तरह का तैयारी कर रहे, मूवी भी कर रहे, तैयारी टीवी शो भी कर रहे, पढ़ाई भी कर रहे, मैनेज किस तरह मम्मी पापा कर रहे हैं? मम्मी पापा मतलब कि पापा मेरे जैसे मेरा होमवर्क मिलता है तो मेरे पापा बहुत हेल्प करते हैं, और हेल्प सबसे ज्यादा मम्मी भी करती है, और जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मम्मी मेरी हेल्प करती है और बताती है कि ये क्या करना है, यहाँ क्या लाना है, यहाँ क्या करना है। पापा मेरा पढ़ाती है, मम्मी रात में पढ़ाती है। तो बता, आप रील भी बनाते हो, मैं सुना हूँ, किस तरह का रील बनाते हो, क्या आपको फेरिस आपको दिखना चाहते, किस नाम से आप रील चलाती हो? मैं संस्कृति शर्मा डांसिंग गर्ल से। क्या बात है, तो आप कुछ गाना भी गाते हो? नहीं, मैं सिर्फ डांस। तो बताओ किस तरह का रील बनाते हो, कुछ गाने गाते हो, गाए हो तो कुछ गा दो, और कुछ क्या आपके पास दिखाना चाहते हो अपना फ्रेंड्स को? दिखा सकते? नो नो नो, कोई गाना मेरे पापा पापा का एक लाइन गाना सुना, मम्मी सुनाएगी।
पापा जी गाते मैं आपके बारे में सुना हूँ कि काफी अच्छा टैलेंट आप में भी, आप भी एक्टिंग करने का जुनून जज्बा है आपके अंदर और सिंगर भी हुआ, तो अपने बारे में बताओ किस तरह के आप गाना आपके जमाने के आपकी फेवरेट कौन से? मेरा तो जो भी था पुराने जमाने के जो गाने थे रफी साहब के, किशोर कुमार के, उन गानों को जो है सुन सुन कर जो है थोड़ा बहुत जो है सीखा हूँ। स्कूल में भी सिंगिंग का ये था बट उतना ज्यादा कभी सीरियसनेस में मैंने दिखाया नहीं, बट अभी लगता है कि चलिए मेरे मैंने कुछ नहीं कर पाया तो मेरी बेटी आगे जाके जो भी करेगी ठीक है उस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छी बात, आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि मैं सिर्फ एक संस्कृति को नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारा टैलेंट है घर में, सब मेरे साथ आया और हम अपने फिल्म में सबको यूज करें और वो अपना टैलेंट को दिखाए। क्या बात है, सिंगर भी है जी जी, डायरेक्टर भी पीछे कर सकता है, तो आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा बात है, आयुष जी है हमारे फिल्म में, आयुष बाबू मैं सुना हूँ आप भी इस फिल्म में सागर प्रोडक्शन में जुड़े हो, आप तो क्या बोलना चाहते हो? जी सर, एक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज सागर मूवीज प्रोडक्शन के साथ जुड़कर, अभी पिछले हफ्ते ही सर से मिला था, सर ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया, एक छोटा सा ऑडिशन हुआ मेरा, ऑडिशन सबको अच्छा लगा और सिलेक्ट हुआ, और एक बहुत ही अच्छा किरदार मैं इसमें कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, हमारी मूवी बहुत हिट रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। अपना सागर जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह के आपको मतलब लगा इंसान के काम करने का मजा आएगा या दुरुस्त टाइप लगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, तो मजा आएगा सर के साथ काम करके। जो भी आपका हो गया मेरी स्कूल में और भी कई अच्छे किरदार करने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस समाचार जुड़े हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल से भी हैं और हम डायरेक्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी लोगों को बुला रहे हैं, तो जो अभी हमारे साथ अवेलेबल है हम उनसे आपको एक बार जरूर मिलवाते हैं। एक मिस्टर अनूप है हमारे साथ जो एक अच्छा कैरेक्टर में है और फिल्म का एक अच्छा पार्ट में है, और एक राजेश्वरी जी हैं तो ये भी हमारी फिल्म से जुड़े हुए हैं और ये भी हमारे फिल्म में एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। आयुष जी से आप मिल चुके बात कर सके, और हम तो चाहेंगे कि शर्मा जी भी हमारी फिल्म में एक अच्छा काम करें, सिर्फ ऐसे नहीं मिले, और प्रशांत जी से आप मिल चुके हैं, हमारी फिल्म के बहुत अच्छे मतलब जिम्मेदार व्यक्ति मैं आपको बताऊंगा, आप समझ लिए कि प्रोड्यूसर के तरफ हो सकता है फ्यूचर हमारे साथ जुड़े हैं तो ये कंटिन्यू उसी बेस में काम करेंगे, और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग ही नहीं आप हमारे फिल्म के बहुत बड़े पार्ट हैं, तो आपके बिना हमारी फिल्म का कोई काम नहीं हो सकता। मैं उनके बारे में बोल रहा था तो आपने याद दिला दिया, चलिए डबल हो गया वो हमारे लिए। तो जीत भाई एक हमारे जो डिजिटल मीडिया पार्टनर्स हैं, पेज वन इनका एक अपना कंपनी अपनी इनकी एजेंसी है जिसके थ्रू ये कई बड़ी फिल्मों का प्यार करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबको एक अपना पहचान दिलाते हैं, तो ये तो कल की और जो अभी कई फिल्में हैं, मैं बहुत ज़्यादा फिल्मों का नाम नहीं लूँगा बट हमारी फिल्म के लिए आया है, हमारे फिल्म के लिए इतना बड़ा सहयोग कर रहे थे, इससे बड़ी बात कुछ मिल सकती है हमारे लिए। क्या बात है, हम लोगों तक पहुँचाएं आप तक पहुँचाएं, तो ये हमारे लिए माध्यम है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप सागर फिल्म से आप काम कर रहे हो, स्टार्ट किया आपने, कितना एक्साइटमेंट है और अपने बारे में बताया क्या? यस सर, सर लुक यहां जी ओके, मैं पहला प्रोजेक्ट कर रही हूँ सागर सर के साथ और सागर मूवी प्रोडक्शन का ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए, एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सागर सर को। तो गाने उन्हें कुछ है गाने पिक्चर में बताया सागर जी ने? ये सस्पेंस है, सरप्राइज है आप लोगों के लिए, आइटम सॉन्ग के जमाना है, रील के जमाना है, बिल्कुल आइटम सॉन्ग है हमारे फिल्म में, और हम आपको याद दिलाएंगे कि आपने जब सुखविंदर जी और सुनीत चौहान जी के जैसे गाने में सुने पूरी जगह बड़ा सुपर हिट गाना रहा है, कुछ उस तरह का फ्लेवर हम भी लेके आए। क्या बात है, सर आपका यही सर आपका क्या किरदार है? जी सागर मूवी प्रोडक्शन के साथ काफ़ी सारे काम हुआ है और ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो देसी लव है, उसमें कई सारे किरदार हैं, हमारे भी किरदार हैं, और जैसे कि आप लोग ने बताया कि गाने के बारे में, तो गाने भी इसमें दमदार हैं, ऐसा नहीं है कि दमदार नहीं है, और रही बात किरदार की तो सब सस्पेंस है, तो जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी तो फिर
सब कैरेक्टर भी रिवेल हो जाएगा सर। नॉन एक्टर भी होंगे इसमें? आई थिंक सो कि सभी के सभी 99% नॉन एक्टर। क्या बात है, क्या जी। मैं इसलिए नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक सस्पेंस तो है ही, और हमने उसको छुपा कर रखा है। जैसा एक क्लाइमेक्स फिल्म में होता नहीं, हमने पूरे फिल्म मेकिंग का भी क्लाइमेक्स बना रखा है। जब खुलेगा तो एक फ्लॉप बस्टर की तरह सामने आना चाहिए। क्या बात है, ये भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है, ये होना चाहिए। छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि संस्कृति जितनी छोटी उतनी एक बड़ा गुड लक हम उसको करेंगे कि हमारे फिल्म में आ रही है, तो जिस तरह से हुआ उसी तरह से अभी समझे कि बहुत सारी चीजें हमने नहीं की है, जस्ट एक कंफर्मेशन हमने उसको दिया है, तो कंफर्मेशन के हिसाब से गुड लक बनता है ना, स्वीटनेस तो होना चाहिए, मिठाई तो होना चाहिए। तो मिठाई के लिए हम अभी तो मिठाई लाए हैं, लेकिन मिठाई के जैसे हम कुछ उनको दे दे रहे हैं ताकि इनका भी एक सिक्योरिटी लगे कि हाँ हम सागर सर के साथ फिल्म में जुड़ गए। तो हम अभी इनको एक छोटा सा शगुन हम भेज रहे हैं, तो आपके साहब ने हम भेज रहे हैं ताकि इनके पास मिले। और संस्कृति के पापा प्लीज बताएं कि आपने रिसीव किया। मैं आपको दिखाऊं ना सर, ऐसे उल्टा रखो अमान मत दिखाओ, हमने आपको नहीं दिखा दिया। एक छोटा सा अमान का हमने जस्ट अभी जस्ट वेट कर दिया है। तो संस्कृति आपको मुबारक हो, आपको चॉकलेट खाना है, स्वीट खाना आज के दिन। थैंक यू सर। Oh.